हेलो एवरीवन, मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं यूवी लर्न। आज का हमारा टॉपिक है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। 1 जनवरी को इसका एस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मिनिस्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है राजनाथ सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी संभालते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव हेड हैं जी सतीश रेड्डी, ये चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। इसका सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट इंडिगो, 1960s में आया था। उसका टाइप कैसा था? सरफेस टू एयर मिसाइल। आप सरफेस से फायर करोगे तो वो एयर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोजेक्ट इंडिगो फेलियर था, मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसका नाम बदल के प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट किया गया। और उसे शॉर्ट रेंज मतलब कि कम दूरी और लॉन्ग रेंज मतलब कि लंबी दूरी के लिए विकसित किया गया, मगर ये भी फेलियर ही रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। इन सबको ध्यान में रखते हुए अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1982-1983 में एक IGMDP प्रोग्राम आया, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंडर 5 टाइप की मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, जो कि सभी की सभी सक्सेसफुल रही। और 2008 में ये मिशन क्लोज कर दिया गया सक्सेसफुल बोलकर। ठीक है, ये अनसक्सेसफुल नहीं था, पहला सक्सेसफुल डीआरडीओ का मिशन था। इसके अंडर जो मिसाइल आती है वो पहली है पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि। इसके टाइप्स हैं कि ये कौन सी रेंज की हैं, कौन सी हैं बैलिस्टिक हैं और किस सतह से लेकर कहाँ तक जाती है, जैसे कि सरफेस टू एयर या एयर टू सरफेस। सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ लिखा हुआ है सरफेस टू सरफेस है। आप पृथ्वी पर रहते हैं तो सरफेस टू सरफेस ही फायर कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस। आकाश मतलब सरफेस टू आकाश की तरफ, सरफेस टू एयर। थर्ड इज नाग। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, अटैक करती है, तो नाग मतलब स्नेक सांप अटैक करता है। थर्ड वन इज त्रिशूल। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल की शेप ऐसी होती है, तो इसका जो ग्राउंड में टच करता है वो है सरफेस, और इसका जो ऊपर की तरफ फेस है वो एयर की तरफ कर रहा है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो गई त्रिशूल। त्रिशूल की जो शेप होती है वो क्या इंडिकेट कर रही है? सरफेस से एयर की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो त्रिशूल। लास्ट है अग्नि। आग सरफेस पे ही लग सकती है, हवा और पानी में तो नहीं लग सकती, तो अग्नि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि टाइप्स ऑफ मिसाइल्स क्या होते हैं। देखिए, एक होती है क्रूज, एक होती है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो इस मोशन में जाती है, फिजिक्स वाले बच्चे इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो भी मिसाइल इस मोशन में जाएगी उसे हम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम देंगे। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, ठीक है। सेल्फ गाइडेड मिसाइल होती है। दूसरा है इनकी रेंजेस। रेंजेस क्या क्या होती हैं? शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल, अकॉर्डिंग टू किलोमीटर। किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक वो किस रेंज में आती है, इसकी जो रेंज है वो डिसाइड की जा सकती है, ठीक है। थर्ड है सरफेस टू सरफेस, मतलब किस कहाँ से कहाँ तक आप उसको फायर कर रहे हैं। सरफेस से सरफेस कर रहे हैं तो ये वाली, सरफेस टू एयर कर रहे हैं तो ये वाली, सरफेस टू सी कर रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ तो ये वाली, तो ये सारे इसके टाइप हो जाते हैं। लॉन्च मोड भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। लास्ट वन है प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं धक्का विधि। धक्का विधि मतलब अगर आप कोई रॉकेट जाता है तो धक्के से जाता है, जैसे कोई ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन पर तो धक्का लगता है ना हल्का सा, ऐसा ही धक्का लग के हमेशा जो मिसाइल्स होती हैं वो लॉन्च होती है। तो वो धक्का या तो सॉलिड प्रोपल्शन से लगता है या लिक्विड से या इंटरमीडिएट से या इंटरकॉन्टिनेंटल से, ये इसके टाइप होते हैं। देखिए, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में भी डिफरेंस दिया गया है। अभी हमने पढ़ा कि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे लॉन्च होती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ऐसे होता है बैलिस्टिक का, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर भी जा सकती है। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के अंदर ही रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो ज़्यादा है, 300 to 1200 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल की ओनली 500 है, मगर क्रूज मिसाइल के जो प्रिसीजन है वो हाई है, मतलब बेशक वो कम दूरी पर जाती हो बट उसका जो निशान है वो बिल्कुल सटीक लगता है। और इसका लॉन्ग डिस्टेंस है मगर इसका जो प्रिसीजन है वो बहुत लो है,
ठीक है। नेक्स्ट है ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज़ होती है, ये वॉरहेड वेपन्स के लिए यूज़ होती है। इसके एग्जाम्पल है पृथ्वी, अग्नि, धनुष। इसका इकलौता एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट स्लाइड, ये सारी दे रखी है कि कब डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की। हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इनके वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पृथ्वी 1 IGMDP में से ही एक थी, फिर 2I, देन 3I, इसकी सीरीज ऐसे ही आती रहती है। बट पृथ्वी 3 के बाद धनुष आया। धनुष क्या है? धनुष इज अ वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस पृथ्वी 3। पृथ्वी 3 का नाम बदलकर ही धनुष रख दिया गया। मगर जो धनुष है वो किसके लिए काम करता है? नेवी के लिए, नौसेना के लिए, ठीक है। पृथ्वी काम करती थी आर्मी के लिए और धनुष काम करता है नेवी के लिए। धनुष जो हम छोड़ते हैं तो आसमान की तरफ छोड़ते हैं ना, तो धनुष किसके लिए काम कर रहा है? एयर के लिए, ठीक है। एयर में ट्रेवल करता है धनुष। तो पृथ्वी 3 का जो नेक्स्ट वर्जन आया है वो है धनुष, ठीक है। अग्नि 1 आई सरफेस टू सरफेस मिसाइल में, शॉर्ट रेंज में आई पहले। अग्नि 2 फिर इंटरमीडिएट रेंज में आ गई, जैसे उसके किलोमीटर बढ़ रहे तो उसकी रेंज चेंज हो गई। फिर अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4। अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो अग्नि 5 है, जो कि 5000 किलोमीटर में ट्रेवल करती है और 2012 से इंडक्ट की गई थी और अभी तक वो चल ही रही है, ठीक है। इससे लेटेस्ट जो आने वाली है वो अग्नि 6 आएगी, जो 6000 किलोमीटर तक अभी तक नहीं आई है, अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पर आ जाइए, ये है नाग, नाग एंटी टैंक मिसाइल। ये देखिए नाग एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। नाग हमने पढ़ा था, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ठीक है। नाग का जो वर्जन है अपग्रेडेड वर्जन वो है हेलिना। हेलिना की फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, ठीक है। यहाँ देखिए नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका अपडेटेड वर्जन है हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। यहाँ पर है ब्रह्मोस, अभी तक की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है इंडिया की। द ब्रह्मोस इज अ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हालांकि ब्रह्मोस अकेली इंडिया के कोलेब्रेशन से नहीं बने, यहाँ पर देखिए ब्रह्मोस इज अ जॉइंटली वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया। 1999 में इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था ब्रह्मोस बनाने के लिए। आप इसका नाम देखेंगे ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस के अंदर जो शुरू का BRAH है, BRAH ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से आया है, ठीक है। और लास्ट का जो MOS है वो यहाँ पर देखिए मोस्कवा रिवर, रशिया की जो मोस्कवा रिवर है ना उससे आया है, ठीक है। तो ये इंडिया, इसका जो नाम भी और इसका जो काम भी दोनों ही इंडिया और रशिया से मिलकर बने हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर रेंज है, शॉर्ट रेंज है। हमने पढ़ा था कि क्रूज मिसाइल 500 तक ही होती है, तो 290 किलोमीटर। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है, आप यहाँ देखेंगे Mach 2.8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मैक नंबर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो स्पीड, जो हम फायर कर रहे हैं रॉकेट उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड। अब जब साउंड की स्पीड से रिलेट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि जिसमें जो सोनिक नाम लिखा हुआ है, सोनिक, सोनिक का मतलब है साउंड, साउंड रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पर भी आप सोनिक देखेंगे समझ जाइए जगह की साउंड रिलेटेड है। देखिए अब यहाँ पर सब सोनिक मतलब साउंड की स्पीड से थोड़ा सा कम, ट्रांसोनिक मतलब इक्वल टू साउंड स्पीड, सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से ज़्यादा, और हाइपरसोनिक साउंड की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो Mach 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इसकी एक और स्पेशलिटी है कि पहली मिसाइल है जो चारों जगह पर आप छोड़ सकते हो। चारों जगह मतलब सबमरीन, पानी के अंदर, शिप से छोड़ सकते हो, हवाई जहाज एयरक्राफ्ट से छोड़ सकते हो और लैंड से भी छोड़ सकते हो। चारों मीडियम से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये है ब्रह्मोस, यहाँ पर है ब्रह्मोस 1, 300 kg में, 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। अभी ब्रह्मोस का सेकेंड वर्जन भी आ गया है, मगर ये सुपरसोनिक थी, और अभी जो लेटेस्ट आया है वो हाइपरसोनिक है, ठीक है। हाइपरसोनिक कौन सा था? जिसका मैक नंबर 5 से ज़्यादा था। देखिए यहाँ पर 30 अक्टूबर 2020 को इंडिया की एयरफोर्स ने टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस को, Sukhoi 30 MK1 एयरक्राफ्ट से उसको फायर किया गया। और किसने डेवलप किया था? DRDO ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने Sukhoi 30 MK1 विमान से ब्रह्मोस का प्रशिक्षण किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये अभी करंट के क्वेश्चन है, जो जो मिसाइल करंट में DRDO ने डेवलप किए हैं और लॉन्च की हैं, ठीक है। ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत रिसेंट है। DRDO बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाश, प्रणाश एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 200 किलोमीटर की रेंज में DRDO ने इसे टेस्ट फायर किया। सिर्फ नाम इम्पॉर्टेंट है और किलोमीटर। लॉन्च मिशन शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन शक्ति कंट्रीज फर्स्ट एवर, कंट्री का पहला ए सेट, ए सेट इसकी फुल फॉर्म है एंटी सैटेलाइट।
मिसाइल टेस्ट एट APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड ओडिशा। ठीक है, कौन सा आइसलैंड से किया गया ये मतलब लॉन्च, इसकी दो जगह होती है। देखिए ये एक रहा ITR ओडिशा मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, और अब्दुल कलाम आइसलैंड ओडिशा। ज़्यादातर इनकी जो टेस्ट रेंज होती है वो या तो पोखरण राजस्थान होती है या फिर उड़ीसा होती है। ठीक है, पिनाका वन टेस्ट फायर किया गया ITR उड़ीसा से। SANT जिसकी फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल टेस्ट फायर्ड फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट सेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेंट क्या है, सेंट हेलिना HELINA। हेलिना क्या थी, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, नाग का अपग्रेडेड वर्जन थी हेलिना, नाग का अपग्रेडेड वर्जन थी हेलिना, और हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन आया है संत। ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन मतलब नया वर्जन जिसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ के आई हों जो और भी अच्छा हो। ठीक है, पृथ्वी टू हमने पहले पढ़ा है, पीछे पृथ्वी की रेंजेज आती रहती, तो पृथ्वी टू की नई रेंज आई है 250 किलोमीटर में, और ITR उड़ीसा से इसको लॉन्च किया। रुद्रम फर्स्ट इसका मैक नंबर 2 है, मतलब स्पीड की साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा। ITR उड़ीसा मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से छोड़ा गया। नाग एंटी टैंक पोखरण राजस्थान से इसको टेस्ट किया गया। शौर्य को भी उड़ीसा से छोड़ा गया। इट इज़ ए लैंड वर्जन ऑफ K-15 मिसाइल। K-15 मिसाइल एक सबमरीन नेवी की मिसाइल है, और उसका जो वर्जन है इंडियन आर्मी में उसको बोलते हैं शौर्य। लास्ट अभ्यास मिसाइल ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से ही छोड़ी गई। ठीक है, किसने इसको विकसित किया, DRDO ने। यहाँ पर हम 10 questions करेंगे जो हमारी कल की वीडियो ISRO और DRDO से रिलेटेड है। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ISRO। ISRO के करंट नहीं पूछा है, फर्स्ट चेयरमैन पूछा है। करंट तो हमें पता है के शिवान जी हैं, बट हमसे फर्स्ट पूछा है कि फर्स्ट कौन थे। तो पहले कौन थे, पहले थे विक्रम साराभाई। ठीक है, जिनको फादर ऑफ स्पेस भी कहा जाता है। सेकेंड है ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सेकेंड है, इन विच प्लेस डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो कल हमने याद किया था कि थिम्बू टर्ल्स, इसका नाम बदल के टर्ल्स भी कर दिया गया, तो टर्ल्स का हेडक्वार्टर और विक्रम साराभाई का दोनों का कहाँ पर था, थिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRNSS। आई इज फॉर इंडियन, आर इज फॉर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को बोलते हैं IRNSS। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज लॉन्च द चंद्रयान फर्स्ट। पहली बार व्हेन वाज लॉन्च द चंद्रयान फर्स्ट, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, तो इसकी डेट थी 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया पहला चंद्रयान। दूसरा कब किया गया, 2019 में, और तीसरा अभी तक फाइनल नहीं है बट 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रयान सेकेंड इज लॉन्च्ड बाय किससे, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया, GSLV MK3 से लॉन्च किया गया, और थर्ड वन भी इसी से ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान थर्ड एक रोबोटिक, ये जो चंद्रयान थर्ड है ये एक रोबोटिक स्पेस मिशन है इसरो, और किसके साथ, ये जाक्सा के साथ है। जाक्सा क्या है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके साथ हमारा कोलेब्रेशन है। नासा किसकी है, अमेरिका की है। जाक्सा किसकी है, जापान की है। और रोस कॉस्मोस किसकी है, रशिया की है। रशिया की है, जिसने हमारा फर्स्ट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। ठीक है, और DRDO तो हमारी ही है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई जी को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्केटिंग एंड कमर्शियल विंग ऑफ इसरो, इसरो के हमने कल बहुत सारे विंग पढ़े थे बट एक रह गया, वो था मार्केटिंग एंड कमर्शियल विंग, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इसका आंसर है सी, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। ये पहले एक प्राइवेट एंटिटी थी, बाद में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर लिया और इसरो की कमर्शियल और मार्केटिंग विंग बना दिया। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट सैटेलाइट। कौन सी कंट्री है जो अमेजनिया वन अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगी इंडिया के व्हीकल से, और व्हीकल का नाम क्या है, PSLV C50 रॉकेट, C51 रॉकेट। ठीक है, कौन सी है वो कंट्री,
ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आने वाले इसरो के कुछ मिशंस दिए हैं। सबसे पहला है आदित्य एल वन 2019-20 में आने वाला था, बट ड्यू टू कोविड रीजंस अभी थोड़ा डिले हो गया है। और ये किस लिए आ रहा है? ये स्टडी ऑफ सन के लिए आ रहा है, सन की स्टडी के लिए जाएगा, सन के कोरोना की स्टडी, मतलब जो उसकी आउटर लेयर होती है। ओके, गगनयान टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा स्पेस में। चंद्रयान 3 मैंने आपको बताया, इंडियन रोबोट मून पर भेजने के लिए। मंगलयान मार्स के लिए आ रहा है, ये मंगलयान 2 है। मंगलयान 1 वो था मॉम, कब आया था मॉम? 2013 में, 2013 में आया था मॉम मार्स ऑर्बिटल मिशन। उसी का सेकेंड वर्जन आने वाला है 2024 में, सेकेंड ऑर्बिटर। ठीक है, शुक्रयान वीनस के लिए आने वाला है और इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा 2020 तक। यहाँ पर ख़त्म होती है इसरो और DRDO और इसरो रिलेटेड सारी न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।